सब्सक्राइब कीजिए देसी इंडिया को और दबाइए बेल आइकन को मेरा वीडियो पहले देखने के लिए। वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाइए। नमस्कार दोस्तों, देसी इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आपसे बात करूंगा एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो कि आप लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में आया है जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे नींद बहुत कम आती है, मुझे स्ट्रेस फील बहुत होता है, मुझे एनजाइटी की प्रॉब्लम होने लगी है। तो इन सभी समस्याओं के लिए आज जो मैं टैबलेट लेकर आया हूँ ये आपके लिए सच में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको इसको किस तरह से खाना है और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इनको किन लोगों को नहीं खाना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो मैं आज आपको ऐसी टिप देने वाला हूँ जो कि आपकी नींद के लिए, घबराहट के लिए, मतलब थोड़ा बहुत आपको अगर मान लीजिए प्रेशर रहता है किसी चीज़ का काम को लेकर, उससे आपको प्रॉब्लम होने लगती है, टेंशन होने लगती है, उन सभी समस्याओं के लिए मैं बहुत अच्छा आपको टिप देने वाला हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे सामने जो रखी हुई है इसके बारे में तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा ही दूंगा, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो कि आपको इन सभी समस्याओं से दूर रखेगी। जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज़ से डर लगता है या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है उस काम को लेकर होता है, तो आप उसको फेस करिए। आप उससे जो डर रहे हैं या आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है या आपको उससे नींद कम आ रही है, तो उसको जब आप फेस करेंगे ना तो आपका जो डर है वो ख़त्म होगा। और अगर आपकी मान लीजिए कोई वैसी प्रॉब्लम है जो आपसे हो नहीं रही है तो उसको एक बार फेस करके देखिए, अगर आपको नहीं हो रही है तो उसको आप अपने मन से हटा दीजिए। मन से हटाएंगे तभी आपको स्ट्रेस फील कम होगा, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। सबसे बड़ा कारण नींद होती है, अगर आपको नींद नहीं आएगी तो आपकी पूरा दिनचर्या ख़राब रहेगा, उसके साथ साथ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। तो ये जो मैं टैबलेट लेकर आया हूँ, मैं आपको बता दूँ अगर आपकी कोई पुरानी दवाइयाँ चल रही हों या आप कोई लेडी हैं या वो प्रेग्नेंट है, तो आपको क्या करना है कि आपके कोई नज़दीकी डॉक्टर हों या आप जिनकी जो दवाइयाँ खाते हैं उनसे आप रिकमेंड कर सकते हैं कि क्या मैं ये टैबलेट ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो आप इसको बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको 18 से 20 साल वाले, 20 साल से ऊपर वाले ही इसको यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेल्थ विथ का मेलाटोनिन टैबलेट है 10 mg का, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो आप डेली रात की रात लीजिए। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूँ, इस टैबलेट से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपके नशे के लिए नहीं है, ना इससे आपको नींद आनी है, ये आपके स्लीपिंग सपोर्ट करेगा, मतलब आपकी स्लीपिंग को सपोर्ट करेगा, आपकी एनजाइटी प्रॉब्लम है उसको भी सपोर्ट करेगा, उससे आपको फ़ायदा होगा। एक सप्लीमेंट के रूप में आप इसको देखिए, इससे आपको कोई नशा कोई लत कुछ नहीं लगेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको स्ट्रेस फील होता है या आपको टेंशनाइज होती है या आपको नींद कम आती है, उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, सुबह खाना खाने के बाद और रात के रात सोते समय, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। आपका सब स्लीपिंग सपोर्ट हमेशा अच्छा रहेगा, उसके साथ साथ आप टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसमें देखिए लिखा भी है, मे हेल्प विथ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, हेल्प प्रमोट स्लीप, ये सभी समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है। और हाँ, मैं आपको एक ऐसी टिप देने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। पहली टिप तो मैंने आपको शुरुआत में ही दी थी, और दूसरी टिप ये है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत, अगर आप कुछ भी ना करें, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, सुबह टहले घूमें फिरें, और जो बाहर का उल्टा सीधा खाना होता है, जो मतलब तामसी भोजन बोलते हैं इसको, जो गर्म खाना होता है उसको आप कम खाइए, उससे भी आपको थोड़ी बहुत नींद जो है कम आने लगती है। क्योंकि वो खाना इतना ज़्यादा मतलब ख़राब होता है जो आपके पेट को डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ख़त्म कर देता है, इससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अपने खाने पीने को भी ध्यान में रखिए, थोड़ा सा सही और अच्छा भोजन खाएं, ताज़ा भोजन खाएं, भोजन से भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी एनजाइटी पे, स्लीपिंग पर, ठीक है। और रात को थोड़ा सा हल्का ही खाना खाएं, उसके बाद आपको अच्छी नींद आएगी, और गर्म पानी भी आप रात के रात पी सकते हैं, उससे आपका पेट भी सही रहेगा और नींद भी अच्छी आती है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको ये ख़रीदना है तो मैं उसकी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसको ले सकते हैं। और आपके किसी रिश्तेदार को या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो उनको मेरा ये चैनल शेयर करिए, उनको भी बताइए कि देसी इंडिया आपके लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए धन्यवाद। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left.